हमारे चैलेंज का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अगर रात में हम पे कोई हमला करता है तो आज हम कटोरी खा के अपनी भूख शांत करेंगे, पत्थर से पत्थर टकरा के आग जलाएंगे। आग अर्ज किया है। वाह 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 वाह। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू डे एंड न्यू ब्लॉग। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ही ज्यादा मजेदार, क्योंकि हम करने वाले हैं 24 आवर चैलेंज इन गार्डन। यानी कि हम पूरे 24 घंटे अपने घर से बाहर रहने वाले हैं, और फिर चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, चाहे सुनामी आए, बट हम 24 घंटे अपने इस बगीचे में ही आज सर्वाइव करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या हम इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। और सारे पार्टिसिपेंट्स भी रेडी हो चुके हैं जो कि इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो टोटल इस चैलेंज में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो है 5 लोग, और वो है ये सब। तो इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करूंगा मैं, मेरी बहन डेढ़ पसली, मेरी बहन अद्धा आई मीन श्रद्धा, और मेरी बहन ढाई पसली, और साथ में हमारा रानी। और अभी जो है 12:30 बज चुके हैं, हमारे चैलेंज का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो चलते हैं सीधा अपनी लोकेशन पे। तो अभी हमने जो है अपनी जरूरत के ये कुछ सामान जो है ले लिए हैं अपने साथ में, और इन्हें लेकर के हम बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद हम कल दोपहर 12 यानी कि 12:30 बजे ही वापस घर में आएंगे। तो अभी हम अपने घर से अपने कदम बाहर निकालने वाले हैं, चलते हैं। ओके 1 2 3। तो अभी हम घर से बाहर आ चुके हैं, और बस 10 कदम चलते ही हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। यहाँ पे बैठो भाई, वरना चैलेंज बर्बाद हो जाएगा। बैठ जाओ। वैसे मुझे नहीं लगता कि रॉनी इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएगा, तो इसे हम बीच में ही छोड़ देंगे। जब भी ये शाम को पापा के आते हैं, ये तुरंत कितनी भी गहरी नींद में हो, कहीं भी हो, जैसे बाइक की आवाज आती है तुरंत पापा के पास चले जाता है, तो ये घर में जाएगा ही जाएगा। तो फाइनली हमारा चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, और ये देखो सारे पार्टिसिपेंट्स मुंह बना बना के बैठे हुए हैं। एंड वैसे आज का मौसम तो अभी अच्छा दिखाई दे रहा है, कल तो आंधी आई थी, तो अभी हमने शॉल और जैकेट यहाँ पेड़ पे टांग दिए हैं। और आर 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 मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, यहाँ पे हमने पेड़ में शीशा भी लगा रखा है अपना मुंह देखने के लिए। अभी हम सोच रहे हैं कि पहले हम अपनी लाइटिंग की व्यवस्था कर लेते हैं, ताकि रात में अंधेरा होने से पहले जो है उजाला हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है आसपास में, सारी लाइटें वहाँ घर पे हैं। और हम लाइट लाने वाले हैं यहाँ गैया के रूम से, यहाँ पे हमारी गैया रहती है, यहाँ पे लाइट एक बल्ब है, तो वहाँ से हम स्विच लगा के और एक बल्ब यहाँ पे लेके आएंगे। तो चलते हैं पहले, और साथ में हम ये हथौड़ा लेकर के आए हैं थौर का, अगर रात में हम पे कोई हमला करता है तो इससे उसका सर फोड़ा जा सकता है। गाइस यहाँ पे है एक होल्डर जिसमें ये देखो कितना जाला लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ये वाला प्लग, तार जुड़ रहा है, तो अभी हमने टेप लगा दिया है, तार थोड़ा सा बड़ा हुआ यहाँ। तो फाइनली हमारा तार हमारी लोकेशन तक पहुंच चुका है गाइस। तुम जाके लगाओ, मैं बताती हूँ जल रहा है या नहीं। नहीं जल रहा, नहीं, यहाँ का बीच में ही तार तोड़ दिया, बोला पता नहीं पूरे में लाइट यहाँ तक हो सकता है आ रही हो लाइट, तो इसने यहाँ का तोड़ दिया, अब ये यहाँ का तार जोड़ेगा। अबे तार छोटा हो गया, खींचो उधर से भी तोड़ दो पागल, जुट जाएगा, रहने दो। ठीक है फिर जोड़ो, तो यहाँ से तोड़ने के बाद फिर यहाँ पे जोड़ रहा है। टेप लाओ, टेप टेप दो भाई, टेप ऐसे ऐसे तोड़ते क्या, आज पता चला। आ गया आ गया आ गया, जल गया जल गया जल गया जल गया, तो गाइस अभी सबसे पहले जो हमारे इस गेम से बाहर हुआ है वो है रॉनी। वो देखिए वो घर के अंदर जाके वहां बैठ के कुछ काट रहा है। रॉनी कम आओ। और अब जो है सारे लोग बैठे हुए हैं, मस्त बातें साते कर रहे हैं गाइस, बातें कर रहे हैं, साते नहीं कर सकते। सिर्फ 2 घंटे हुए हमारे चैलेंज को, 2 घंटे हमने सिर्फ लाइटें लगाई हैं,
हाँ लाइटें लगाई हैं और कुछ और किया, वो आपको रात में दिखाएंगे, बहुत मैजिकल सा है। बाकी अभी 22 घंटे बाकी हैं यार, भूख लगी है, भूख कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं खाने के लिए। अभी तो मेरे पास खाने के लिए ये है, कुछ कटोरी, कटोरी खाई है आपने कभी? हाँ, जी बचपन में। चम्मच कटोरी नहीं, खाने वाली कटोरी, ये दूसरी कटोरी है, बहुत कटोरी है, कटोरी है, लूट लो। आओ सभी लोग। तो अभी कटोरी का एक पैकेट खुल चुका है, अपनी भूख शांत करेंगे हम कटोरी खा के। अब तक तो हम कटोरी में खा के अपनी भूख शांत करते थे, लेकिन आज हम कटोरी खा के अपनी भूख शांत करेंगे। एकदम कटोरी जैसी है, एकदम कटोरी है, आप इसमें दाल चावल खा सकते हो, मैगी खा सकते हो। कटोरी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, ये देखो इसमें जो होता है मसाला भर दिया जाता है एकदम एकदम एकदम, बहुत जोर से तीखी खा लग। तो अभी जो है कटोरी की सुगंध रोनी के नाकों तक पहुंच गई, और वो देखो वो भी अब कटोरी खा रहा है, नहीं बहुत ही चाव से खा रहा है कटोरी। बहुत मजा आ रहा है। वाह भाई वाह। तो क्या लगता है आपको कि आप चूल्हे पे डिश बना सकती हैं? ट्राई, हाँ मैं बना सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मगर बात कुछ ऐसे कि चूल्हा है ही नहीं, चूल्हा भी खोजना पड़ेगा। चूल्हा बनाना, चलो किसी चोरी करके लाते हैं, चुटकी का चूल्हा। चूल्हा बनाने के लिए हमें ईंट चाहिए, फिर चूल्हा जलाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए, फिर लकड़ी जलाने के लिए हमें माचिस, माचिस भी नहीं है यार, पत्थर है, पत्थर टकरा ईंट है, पत्थर भी तो नहीं है। आज हम पुराने नुस्खे का प्रयोग करते हैं और पत्थर से पत्थर टकरा के आग जलाने वाले। तो अभी जो है फाइनली इसे 5 मिनट में ही एक डिश मिल गई यूट्यूब से। तो कैसे बनेगी वो वाली डिश भाई, बताओ जरा जल्दी जल्दी बताओ। बस उसमें हमें 2-3 आलू लगेंगे, आलू को हमें कद्दूकस करना पड़ेगा एंड फिर उसमें मसाले डाल। इतना गहराई से बताने को मैंने नहीं बोला। अरारोट का आटा से मिक्स करके फिर उसके लड्डू बना के फिर उसको गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे और बस। तो उस रेसिपी का नाम क्या है? आलू बटाटा बड़ा। ये कौन सी रेसिपी है? आलू बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा सुना था मैंने, आलू बटाटा बड़ा नहीं सुना था। उसे बोलेंगे आलू फ्राई वाला बलाला बड़ा। आलू फ्राई वाला बलाला बड़ा, व्हाट इज दिस। अभी ये जा रहे हैं भाई साहब वहां से ईंटें लेके आएंगे, ईंटें बना के लेके आएंगे, ईंटें जो रखे हैं वो नहीं लाएंगे, ईंटें के पीछे गए, ईंटें को बनाया और उसको आग में डाला, पकाया और अभी पकाया और बस ईंटें लेके आने ही वाले होंगे। वो गर्म होगा थोड़ा, उसे फूंक मारेंगे ठंडा हो जाएगा ईंटा, उसके बाद वहां से लेके ये देखिए ईंटें बना के लेके आ गए 2 मिनट में, इंडिया फास्टेस्ट ईंट मेकर मशीन। ये मशीन नहीं मानो, कहां चूल्हा कहां बनेगा? यहां बनाओ, यहां लगाते हैं, यहां पे बनेगा, यहां पे चूल्हा बनाना आता है। ये मैडम बता रही है कि आप चूल्हा कैसे बनाएंगे यूट्यूब से देख के। चूल्हा और भाई साहब ने चूल्हा बना दिया, डन 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 डन। ये देखो गाइस लकड़ी है लेकिन ये कितनी मोटी है, इसको लगा के हम चाय नहीं बना सकते, हमें थोड़ी पतली चाहिए तो खोजना पड़ेगा। तो अभी जो है लकड़ी आ चुकी है, अम्मा जी ला के दे करके चली गई, यहाँ पे है इतनी सारी लकड़ी, बस इससे ही हमारा काम हो जाएगा। तो अभी जो है हम सबसे पहले रेसिपी बनाएंगे और चाय बाद में बनाएंगे ताकि ठंडी ना हो। तो अभी रेसिपी में जो जो सामान लगेगा वो इसके पता है, बताओ। कढ़ाई लगेगी, कढ़ाई, पलटा, पलटा, थाली, थाली, ऑयल, ऑयल, समझो बे तुमको ही लेके आना। हाँ, कढ़ाई, पलटा, थाली, ऑयल, आलू, आलू, नमक, नमक, मसाला, कद्दूकस, कद्दूकस, और जिसमें फ्राई करेंगे उसी में चाय बना लेंगे। ओके, तो अभी जो है हम सारा सामान लेके आते हैं रेसिपी बनाने वाला, तो सारा सामान अम्मा जी से मांगा जाएगा। तेल, चावल का आटा, कद्दूकस, आलू, चीनी, चाय पत्ती, प्लेट, थाली, 4 कप, चाकू, बस बस। वो खा रही है, क्या खा रही है? कटोरी खा रही है। तो अभी जो है मेरी बहन डेढ़ पसली कटोरी खा रही है, ये गलत है भाई, खत्म कर दिया सारा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुकिए रुकिए, छोड़ो यार ये गलत है यार। रानी मांग रहा था मुझे तो मैंने दे दिया। तो हमारी गैर मौजूदगी में जो है हमारे साथ धोखा हो गया, सारी कटोरी खत्म कर दी, दूसरी पैकेट वाली यार। रानी के लिए थोड़ा सा दे दो। नहीं अब नहीं, हम लोग नहीं खाएंगे, रानी खाएगा सारा।
रोनी भी आया बेचारा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अब ले लो बे गाइस, मुझे इतना मिला है, देर है ना, देर है, रुको, इन सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। हाँ ना, नहीं खाएगा यार, अब वो बेकार में बहाओ मत, नहीं रहा है, लाओ हमको दो दो ना, हमारे पास मुंह नहीं है क्या, रोनी को दिखाओ तो सही, कहाँ रखी है। तो गाइस फिर से मुझे इतना मिल चुका है, चलो यार सामान लेके आओ। हाँ तो सारा सामान जो है बाहर आ चुका है, और ये देखो गरीबों की मदद कर रही हैं अम्मा जी। और एक प्लेट, और भाई लक्ष्मण रेखा पे ऊपर चढ़ना मत, यहाँ पे सब लोग नीचे ही रहना। और अब बारी है रेसिपी बनाने की, जिसके जिम्मेदारी इनकी है, तो शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। आलू छिला जाए ऐसे ऐसे ऑर्डर लगाओगी बस, छिला जाए फिर रेसिपी बनेगी ना। हाँ तो अभी जो है कुछ कुछ काम फिर से इन लोगों को मिल चुका है, आलू को छीलने का, उसको काटने का, जो भी करना है वो ये सब करेंगी। माचिस नहीं है, माचिस की कमी है, तो हम पुराने वाले नुस्खे को आजमाएंगे और पत्थर से पत्थर टकरा के आग जलाएंगे, आग। लेकिन हमारे पास तो पत्थर ही नहीं है, ईंट तो है, ईंट से ईंट बजा दो और आग निकाल दो, मैं तो बोल रही हूँ। तो अब होने वाला है सबसे खतरनाक, आज तक के इतिहास में आग जलाने वाला कार्यक्रम, ईंट से ईंट लड़ा के आग जला दी। 1, 2 and 3 तेज से मारो। जल चुकी है भाई। ओह नो, ईंट से ईंट लड़ा के मैंने आग जला दी, ये क्या हो गया। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा कारनामा दर्ज किया जाएगा, ईंट से ईंट लड़ा के वहाँ से दो लोगों ने ये चंबा देखा और दोनों बेहोश हो गए। इसके लिए मुझे कोई पुरस्कार मिलना चाहिए, कौन सा पुरस्कार मिलना चाहिए आप कमेंट करके बताना। भारत रत्न, इतनी बड़ी खोज, आपको दो ईंटें दिए जाने चाहिए जिससे आप लड़ा लड़ा के आग निकाल दुनिया में आग लगा सके। ये तो मारे खुशी के पागल हो जा रही, बोल रही थी भैया मैं इसी में बैठ जाऊं क्या। यहाँ से बहुत तेज आंच लग रही है मुझे, अरे राम क्या पैर में लग गई यार, यहाँ पे मेरा हाथ जल गया थोड़ा सा, ज्यादा पड़ गया। अबे यार तो अभी जो है इसके पैर पे तेल गिर गया, छुआ मत ना, ऐसे रहने दो, रुक जाओ, पानी पानी डालो, पानी डालो, नहीं डाली, कोलगेट लगाओ, बस बस बस, ना 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 ना, और थोड़ा और थोड़ा पानी जल रहा। तो गाइस अभी जो है इसके पैर पे ऑयल खोलता हुआ तेल पड़ गया, मेरा हाथ यहाँ पे जल गया, ये सब क्या हो रहा है। हमारा पहला चैलेंज है और इसमें इतनी सारी बाधाएं आ रही है, इसका क्या निर्देश है। अभी जो है चाय बनने की बारी है, चाय चाय वाला, चाय बनेगी, चाय चाय वाला, चाय वाला, चाय। तो फाइनली हमारी चाय बनके रेडी हो चुकी है गाइस, तो फाइनली ये देखो सब कुछ रेडी हो चुका है, और खाने वाले भी मैंने बनाया है स्पेशल, सारे रेडी हैं, जले टूटे कटे फटे हाथों से इतनी मेहनत 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 से बनाया है। हेलो, हम सब ने भी मेहनत की है, क्या करी है, आलू काटा, धोया, आलू छीला, धोया, यही सबसे बड़ी आग के पास बैठ के मैंने चूल्हे पे इसको बनाया, उसको गोली करना कितना अभी पहले काम है। पहले इसको टेस्ट करके तो देखो इसकी हालत क्या है। और ये देखो हमारे भाई साहब जो कि चैलेंज में तो नहीं शामिल हुए मगर खाने के लिए सबसे आगे हैं। वेरी गुड, 4:30 बज गए हैं, अभी फाइनली टेस्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो रेसिपी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी है, सबने दिया। तो अभी चाय टेस्ट करके बताता हूँ मैं कैसी है। आहा, चूल्हे की चाय बहुत ही ज्यादा टेस्टी है गाइस। चूल्हे की नहीं, मैं कहीं भी बनाती हूँ, मैं चाय बहुत ज्यादा टेस्टी कड़क। तो फाइनली अभी जो हो चुकी है शाम, अभी बज रहे हैं 5:41, ये देखो आप, ये देखो अभी भी सारे लोग मैदान में टिके हुए हैं, चैलेंज विनर होंगे लगता है सारे के सारे लोग, कोई चैलेंज से बाहर नहीं जाएगा। तो अभी जो है सूर्यास्त होने को है,
और अभी जो है यहाँ पे ना इतने ज्यादा मच्छर लग रहे हैं इसी टाइम से, तो हमें तो नहीं लगता कि हमारी पूरी रात जो है इतनी आसानी से बीतेगी। तो अभी जो है हम लाइट ऑन करने वाले हैं क्योंकि अंधेरा होने लगा है। घर वहाँ है, सब वहाँ सोएंगे और हम सब यहाँ। गाइस आज नहीं, हम आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग नहीं लगी, आग है। अम्मा जी ने जलाया है ताकि धुआं हो और धुएं से मच्छर भाग जाएंगे गाय के पास से। और यहाँ पे इतने मच्छर क्यों उड़ रहे हैं? झुंड पूरी पूरा खानदान है, एक खानदान नहीं दो तीन खानदान आया मच्छरों का। यहाँ पे धुआं नहीं आ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे सुलगा आग सारा। नहीं बे, जानवर हो गया, पशु। आप हालत देख सकते हैं, हम सब इतने दुबले पतले हैं, सुबह तक आप यहाँ हड्डियाँ पाएंगे क्योंकि मच्छरों का खानदान हमारा खून छोड़ने वाला नहीं है, पूरा पी लेगा ऐसे एक बार में। देखते हैं मेरे डोले का खून कितना कम होगा सुबह तक। तुम्हारे डोले में खून ही नहीं है, हड्डियाँ हैं, उसे पहले खून बदलो खून में। डोला है भाई, हड्डी कहाँ है? नजदीक लाके दिखाओ दर्शकों को। ये गाइस डोला है, डोला बोलते हैं इसको। ये डोला नहीं, ये हड्डी है, हड्डी। हड्डी नहीं है भाई, हड्डी है, हड्डी देखो, हड्डी है भाई, हड्डी है। बोल डोला है, डोला है, बोल रही है डोला है। वेरी गुड। तो अभी हो चुका है बहुत ही ज्यादा अंधेरा, ये देखो आप चारों तरफ गाइस अंधेरा हो चुका है। तो अभी हमारे चैलेंज का छठवां घंटा चल रहा है, अभी तो आधे से ज्यादा बचा हुआ है यार। सियार सच में, हाँ यहाँ पे ये बोल रही है कि सियार आते, मतलब शेर बहुत बड़े वाले होते हैं और सियार उनकी छोटी प्रजाति होती है, तो यहाँ पे सियार आते हैं, हमें उनसे बच के रहना है नहीं तो खा जाएंगे। यहाँ से कोई आएगा उठा के लेके चला जाएगा यहाँ पे यार। अबे बदतमीजी मत करो। तो ये अभी चैलेंज छोड़ के भागने में एक बार देखो तो। अरे कुछ नहीं है, कुछ दिख रहा है? अंधेरे, यहाँ पे लाइट लगी है। तो अभी जो है बाबा जी हमसे मिलने आए थे कि हम लोग आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी दुकान से आए हैं ना, तो उन्हें पता नहीं है कि हम 24 आवर चैलेंज कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो अभी जो है यार एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमने झालर लगाई है वो जलाते हैं, ठीक है? क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका है, तो अब झालर की लाइट दिखेगी आपको और बहुत ही ज्यादा मस्त लगेगी। कहाँ? अबे कुछ नहीं, ये बार बार सबको डरा रही है, ये खुद जाएगी और इन सबको भी लेके जाएगी। बचूंगा मैं अकेले यार। और ये देखो दूर से ये कैसा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा मस्त वाइब आ रही है गाइस। सब कैसा लगा ये आपको कमेंट में जरूर बताना, ये हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है तो इसके लिए कमेंट जरूर करना कैसा लगा। एक दिन
मेरी जान तुझे है पाना, ओ ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। हम हवा मेरे जादू है तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। तो गाइस अभी इस कार्यक्रम को करते हैं यहीं पे समाप्त यार। तो फाइनली अभी हमारा खाना आ चुका है, तो फटाफट से खाना खाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। अरे यार रॉनी इसे खिला। मेरा बच्चा आ चुका है रॉनी यहाँ पे। अभी फुल ढाबा वाली फीलिंग आ रही है एकदम मस्त। तो फाइनली अभी सब लोगों ने खाना खा लिया है। ये लोग बोल रहे हैं कि सारे लोग जो है अपनी अपनी एक एक शायरी बनाएंगे और उसे सुनाएंगे, देखते हैं कौन सबसे बेहतर शायरी बनाता है खुद से। अपनी अपनी शायरी सोचो भाई। अभी जो है मैंने अपनी शायरी सोच ली है, बहुत ही बेहतरीन। तो आप में से किसी को शायरी आई? एक लाइन की आई लाइन अभी नहीं। तो सबसे पहले मैं ही शायरी प्रेजेंट करूंगा अपनी। देखते हैं इनकी शायरी में कितना दम है, उसके बाद फिर हम अपने दमदार शायरी का वार करेंगे इनके ऊपर। अच्छा तो देखते हैं, ये लोग वाह वाह करेंगे, ठीक है? यस। ऐसे सुनाता हूँ। ऐसे सुनाओ। अर्ज किया है वाह 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 वाह। पहले नहीं भाई, रुक के करो, तेज करिए जनाब। तो अर्ज किया है वाह 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 वाह, पहले तेज करिए, रुक जाओ। पेश किया है वाह 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 वाह, अर्ज किया, मजाक मत करो। अर्ज किया है वाह 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 वाह, तुमने बोला वाह वाह बोलो। ठीक है, अर्ज किया है वाह 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 वाह। तो अभी मैं सुनाता हूँ यार, समझ के करो ना। तो तुम ही तो बोल रहे हो वाह वाह बोलो, तो बोलो ना। एक लाइन बोलने के बाद। हाँ ठीक है। अर्ज किया है वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। हाँ याद आ गया, ये इसको बताई थी मैंने शायरी, तो क्योंकि 10 साल पहले लिखी थी, भूल गया था बचपन में गलती से। कि जब ढूंढा उसे किनारों में वाह 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 वाह, कि जब ढूंढा उसे किनारों में तो नजर आई वो सितारों में वाह 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 वाह, कि जब ढूंढा उसे किनारों में तो नजर आई वो सितारों में, और जब चाहा कि पकड़ लूं उसे इन हाथों में वाह वाह पकड़ लूं उसे इन हाथों में वाह वाह, कि जब चाहा कि उसे पकड़ लूं इन हाथों में, कि पलक झपकते ही वो खो गई हजारों में वाह 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 वाह। तालियां होनी चाहिए आपके लिए। मैं एक शायर बाज हूँ, तो अब बारी है इन सबकी, सुनाओ अपने अपनी। तारों से तारों की वाह 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 वाह। नहीं नहीं मैं भूल गई, ये सुना रही कि अर्ज किया है तारों की क्या ही जरूरत है वाह वाह पूरा।
ये पूरी धरती हमारी है। यार अच्छे से सुनाओ ना पूरी शायरी। कि अर्ज किया है, वाह 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 वाह, तारों की क्या ही जरूरत है, वाह वाह, जब पूरा आसमान हमारा, तारा हमारा ही नहीं है। ये भी बढ़िया था भाई, दो लाइन का था, बढ़िया था। अब ये सुनाएंगी, मुझे नहीं आ रहा, रुको पहले ये सुनाएंगी, मुझे नहीं आ रहा, उनसे सुनो बाद में। पहले वो फिर जमी से आसमां तक, वाह वाह, चांद से सूरज तक, वाह वाह, तारों से हम तक, वाह 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 वाह। क्या शायरी है, इसके लिए मैं ताली नहीं बजाऊंगा बल्कि चुटकी बजाऊंगा। ताली बजा चुटकी। अब इसकी बारी है। नहीं आ रहा है, मैं एक और लिख दूं ऐसे दो मिनट में। रहने दो, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं। हम आसमां पे, चांद जमी पे, वाह वाह, कि हम आसमां पे, चांद जमी पे, वाह वाह, जाके अपनी सूरत देखो। नहीं, ये कौन सी शायरी है ना, मुझे समझ में नहीं आई। चांद जमी तो गहरी शायरी होती है ना, इसमें गहराई तो किसकी शायरी आपको समझ में नहीं आती, वो कमेंट में बता दीजिए। गहराई वाली शायरियां समझ में नहीं आती। मैं चला जाऊंगा यार, तुम सब बहुत ज्यादा कर रही हो, सब उसे बोल दे, उसके मन की भड़ास निकले। अभी जो है किसकी शायरी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो कमेंट करके बता देना, मुझे बहुत पसंद आई बहुत। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सोने। क्या हुआ भाई? तो अभी ये लोग मच्छर मारने में लगे हुए हैं क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा हैं यार। और देखते हैं कि सुबह में कौन सबसे पहले उठेगा। मैं, ठीक है, मैं। अभी भी चैलेंज में 14 घंटे बाकी हैं टोटल। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, नाइट नहीं, मिलते हैं आपसे सुबह। तो फाइनली अभी हो चुकी है सुबह और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:05 हो रहे हैं, ये देखो। और अभी मैं सबसे पहले सो करके उठा और फिर मेरी बहन ढाई पसली भी उठ चुकी है, बाकी दो लोग अभी सो रहे हैं। यार उठ जाओ, तुम दोनों भी उठो, सुबह हो चुकी है ना, अब उठो, सो के थोड़ी बिताना है पूरा, अभी 6:30 बचे हुए हैं, उठो। और ये देखो हमारा रानी भी आ चुका है सुबह होते ही। तो अभी धीरे धीरे सारे लोग उठ रहे हैं, तो चलो अब सारे लोग जो है अपनी अपनी दातुन करेंगे गाइस, और मैं ये बची हुई दातुन करूँगा क्योंकि दातुन ख़त्म हो गई थी, तो मैं ऐसे पेड़ सही थी दातुन करने वाला हूँ। ये देखो गाइस, ये लड़की यहाँ पे आपको दिख रही है पेड़ के पीछे, ये सुबह उठते ही घर में चली गई थी, हमें तो पता ही नहीं चला, अभी बाहर निकली तब देखा हमने कि ये भी हमारी टीम में थी और ये निकल चुकी है। मैं देखो बिना दातुन को पकड़े ही कर रहा हूँ। तो फाइनली हमारे लिए चाय आ चुकी है अंदर से, हम तो 3 ही बचे, हमारी बहन ढाई पसली चैलेंज से बाहर हो चुकी है गाइस। चाय तो काफी अच्छी है भले ही काली है। काले हुए तो क्या दल वाले हैं। अभी ये देखो गाइस, ये लड़की भी घर के अंदर से बाहर आ रही है, ये भी चैलेंज से बाहर हो चुकी है। तो फाइनली अभी 10:44 हो चुके हैं और हमारे लिए आ चुका है नाश्ता। तो फाइनली अभी बच चुके हैं 12:30। तो इसी के साथ हमारा 24 आवर चैलेंज हो चुका है कंप्लीट, एंड इस चैलेंज को कंप्लीट किया है मैंने और मेरी बहन डेढ़ पसली ने। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय जय श्री राम। तो इस चैलेंज को करेगी मैं। निकल क्या रहा है यहाँ पे, माचिस क्या कर रही है? यार पता नहीं, मुझे क्या पता। हाँ वो तो ईंट से ईंट बजा के निकाली गई। लाया हूँ माचिस, ये आग आप सूंघ के देख सकते हैं, ईंट से ईंट बजा के निकली है, माचिस से बिल्कुल नहीं निकली है।